नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इंदौर से भोपाल जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और बताया जा रहा है कि इस बस में नेपाली लोग सवार थे जो इंदौर से भोपाल होते हुए नेपाल जाने वाले थे। इस हादसे में 5 लोग के घायल होने की खबर है, वहीं एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि बस इंदौर से होते हुए भोपाल सिरोंज से नेपाल जा रही थी, वहीं अचानक सिरोंज के पास लटेरी रोड पर दुर्घटना का शिकार हो गई। बस सीधे एक मकान में जा घुसी, जिसके बाद बस पलट गई। इस घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निकालकर उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। इस हादसे में 5 लोग घायल और एक गंभीर रूप से घायल हैं। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की ये रिपोर्ट। बस है, बहुत लंबी बड़ी गाड़ी। अरे सोनू, ये बस का उस मालूम नहीं, मैं भोपाल से आया। अच्छा, अब ये कहाँ पर जा रही थी? सिंगरौली। अच्छा, सिंगरौली जा रही थी, नेपाल के पास में। हाँ जी। अच्छा, कितने लोग थे इसमें अभी? वो तो मालूम नहीं कितना लोग था, मैं तो लास्ट में। अच्छा, लगभग कितने लोगों की लग गई अभी? अभी चोट एक दो को लग गई। अच्छा अच्छा, रो रहे हैं बेचारा। नहीं नहीं, प्रशासन मौजूद है यहाँ पर, प्रशासन पुलिस आ गई है यहाँ पर, ठीक है ना? ना, सब मदद कर रहा है आप लोगों की, ठीक है। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।